तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी केजरीवाल के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी जोरदार हमला बोल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल समर्थक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है, इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हार के डर में गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी, इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नियत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है, और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए, इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के सिकंजे में आता ही आता है, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं, और आज उन्होंने अपना काम किया है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना, और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में। आपने सारे मार्केटिंग करने वालों के ऊपर, आपने सारे शराब बनाने वालों के ऊपर में दबाव डाला कि हमारे लोगों को 12% कमीशन दिया जाए, यानी कि अगर 10,000 करोड़ रुपए की शराब बिकती है तो उसमें 1200 करोड़ रुपए सीधा सीधा कमीशन अरविंद केजरीवाल की जेब में जाता था, ये बहुत बड़ा घोटाला था। कभी केजरीवाल के सहयोगी रहे डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी प्रतिक्रिया दी। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज किया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। दरअसल ये चौपाई रामचरितमानस की है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कर्म के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं, ये संसार, ये विश्व कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। साल 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जुड़े और बाद में अलग होकर आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की गिरफ्त में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज अहम ये होने वाला है क्योंकि ईडी अब कोर्ट में पेश करने वाले हैं, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या कुछ भविष्य रहने वाला है, इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम बड़े नेता अब जेल में हैं। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल जो सीएम हैं, और बतौर सीएम रहते हुए ये गिरफ्तारी जो हुई है, ये पहली गिरफ्तारी मानी जा रही है, शराब घोटाले में बड़ी ये गिरफ्तारी मानी जा रही है। अब पूछताछ भी लगातार की जाएगी और उसके बाद अब सरकार कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी की, ये भी सवाल उठ रहा है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आतिशी बार बार इस बात को लेकर जो मंत्री हैं वो सवाल उठा रही हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं, बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले से ही इसकी रणनीति भी बनाई गई थी कि अब कैसे आगे सरकार चलानी है,
इसको लेकर अब क्या जेल से सरकार चलेगी या फिर आगे कोई रणनीति बनाई जाती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। 11 बजे करीब बताया जा रहा है कि आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अपनाया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अब आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है। तो शराब नीति घोटाले में लगातार जो गिरफ्तारियां हुई उसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी ये मानी जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अभी कुछ दिन पहले के कविता को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कविता भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। तो आज पेशी होने वाली है सीएम केजरीवाल की, आज पेशी होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसको लेकर हलचल अब देखी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आम का प्रदर्शन कल रात से ही देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी है और आखिरकार अब रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। और क्योंकि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये माना जा रहा है कि ईडी अब रिमांड पर लेने की मांग करेगी और अब रिमांड पर लिया जाता है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद वो छूटते हैं या नहीं क्योंकि मनीष सिसोदिया संजय सिंह की गिरफ्तारी भी कुछ ऐसी ही हुई थी, पहले रिमांड पर लिया गया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब जमानत नहीं मिल रही है, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें। की जा सकती है और जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तारी हुई और उनसे जब ईडी ने पूछताछ किया तो जो साउथ लॉबी का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश ईडी करेगी और हो सकता है कि के कविता के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिठाकर पूछताछ की जाए और उन कड़ियों को। देखिए हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी हुई और अब सवाल जवाब होंगे तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है दोनों को सामने आमने सामने बैठाकर फिर पूछताछ की जाए। जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इस देश में, तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। कानून की नजरों में बन गए शिशुपाल, इसलिए गिरफ्तार हो गए श्रीमान केजरीवाल। जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय के 9 बार समन देने के बावजूद श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जांच में असहयोग किया, जिस तरह से शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को सौ गालियां दी, उसी तरह से केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को 9 बार जो है गालियां दी, असहयोग किया। ऐसे में उनको गिरफ्तार करना यह प्रवर्तन निदेशालय का। तो ये प्रतिक्रियाएं अब देखने को मिल रही हैं। तो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही कल शराब घोटाले में जब ईडी पहुंची, ईडी 10वां समन लेकर पहुंची थी और उसके बाद जब पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे सीएम केजरीवाल और आखिरकार फिर 2 घंटे पूछताछ हुई उसके बाद 9 कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी। अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं ये ट्वीट है 2013 का, अरविंद केजरीवाल जी का।